साहित्य निधि में आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती जी की लिखी हुई कहानी दो राहें दो बाहें। चांदनी के उजले आकाश में उड़ाने भरती मीनल की हल्की फुल्की देह सागर पर सागर उलांघती गई। साड़ी के झीने पंख फैलाती देश विदेश मापती गई। रस भरी मुग्ध आँखें हवाओं की गोद में थिरकती रहीं और मन की उमंग रह रह मिलन के गीत गाती रहीं। अनुराग भरी बाहें आलिंगन के लिए घिर आईं कि एकाएक सपनों के रुपहले कपाट बंद हो गए। आकाश का आंगन धूप से उजड़ा गया। करवट ली, आंखें खोली, फिर मूंद ली। पलकों की ओर झांकता रोहित का प्रिय मुख, रोहित की प्यार भरी चितवन, रोहित रोहित। नहीं रहे वे क्षण, नहीं रहे। बाहें इस ओर घिरती थीं और जी में प्यार भर भर आता था। बाहें इस ओर घिरती थीं और छलकता मोह तन मन पर लहरा लहरा आता था। सुध बुध भुला देने वाली वो मोहिनी क्या हुई, क्या हुए वे चूम लेने के से कांपते स्वर। मीनी मीनी मीनू, चौंक कर आँखें खोल दी। भोर के इस हल्के मौन में सिमटा छोटा उदास कमरा और अतीत की स्मृतियों से लटके पुराने पीले पर्दे। बाहें फैला बीत गए छूट गए सपनों को सहेज लेना, चाहा कि विवश हो उंगलियां माथे से आ लगें। जिसे होना नहीं था होना नहीं था, उस अनहोनी के सपने ये अभागी आंखें क्यों देखती रहीं, क्यों बुनती रहीं वे झिलमिलाते रुपहले ताने बाने जो सपनों के संग ही धूल हो गए। डाक बंगले पर घिर घिर आती उस अंधेरी शाम को पहली बार मीनल की बाहों ने रोहित को सहेज लिया तो घायल रोहित विस्मय से मीनल को देखते रह गए। माथे पर झुकी मीनल बार बार पुकारती है, रोहित रोहित, और रोहित कांपता स्नेह सना हाथ छू मनी मन दोहराते हैं, मिन्नी मिन्नी। वही मीनल है जिसे वे जानते थे पर पहचानते नहीं थे, जिसे वे देखते थे और पुकारते नहीं थे, वही वही मीनल। बत्ती की लौ धीमी कर मीनल ने दबे पांव बाहर आकर हौले से पुकारा, हरिदा। अंधियारे में पेड़ तले खड़े उखड़े मन और शून्य आँखों वाले हरिन बरामदे में आखड़े हुए कुछ बोले नहीं, टिकुर टिकुर मीनल की ओर ताकते रहे। हरिदा, मीनल पांव बढ़ा तनिक पास हुआ ही चिंतित स्वर से पूछा, हरिदा रोहित क्या बहुत कष्ट में है? नहीं नहीं, हरिन विक्षिप्त से सिर हिला हिला कर निर्दयी कंठ से कहते रहे, रोहित नहीं, मैं हूँ मैं हूँ। विमूर सी मीनल को समझने को कुछ कहने को हुई कि उन खाली खाली आँखों पर कोई निर्दयी काली छाया उतर आई। हाथ बढ़ा बलपूर्वक मीनल को अपनी ओर खींचा, रोहित नहीं रोहित नहीं, मैं कष्ट में हूँ मैं कष्ट में हूँ। कि पीछे से श्यामली ने आकर धीमे से हरिन का कंधा छूकर कहा, ऐसे नहीं महाराज ऐसे नहीं। हरिन भयभीत निरी आँखों से मीनल की ओर देखते रहे, फिर बच्चों की तरह श्यामली का हाथ पकड़ नीचे उतर गए। जाने कैसे से मन से मीनल खड़ी खड़ी रोती रही, जिन हरिदा के लिए वो सबसे विमुख होती रही, वही हरिदा। पास से आता रुलाई का दबा दबा स्वर सुनकर रोहित चौंक कर जगे। एक आंख से देखा हल्की धीमी रोशनी में कुर्सी पर सिर झुकाए सिसकियां भरती मीनल बीत गए सपनों की छाया सी लगी। हाथ बढ़ाकर कांपते कंठ से पुकारा, मीनू मीनू नहीं। साड़ी के गंभीर से लिपटी मीनल रोती रोती उन आहत बीमार बाहों में आ लगी। सुबह हरिदा दिखे तो चेहरे पर ना पागलपन था न कपड़ों में पागलों की सी लापरवाही। इस नई काया में हरिदा हरिदा नहीं लगे। रोहित के पास आ आत्मीयता से कहा, रोहित जाने क्या क्या बना भटकता रहा, पर उस दिन जो तुम्हें बचा सका उसी के पुण्य से फिर हरिन हो गया। हरिन का भरा भरा स्वर सुन रोहित विस्मय से हिले कि हरिन स्नेह से हाथ छू बोले। दुर्दिन में मीनल की सहानुभूति पाता रहा, पर उस शाप से मुक्त कर लाने वाली तो यही श्यामली है रोहित। सामने मिन्नी के पास खड़ी श्यामली सलज हंसी, फिर मीनल दी के गले लग बोली, दीदी यही तो मेरे महाराज हैं, यही तो मेरे महाराज हैं। कॉटेज नंबर 3 जनरल हॉस्पिटल रायपुर। शोभनदा, पत्र पढ़ने से पहले अपनी मीनल को आशीष दें कि मेरे रोहित अच्छे हो उठें। तुम दोनों से रूठकर चली आई थी, पर अब लगता है तुम लोगों ने मुझे अपना ठौर ढूंढ लेने को ही भेज दिया था। शोभनदा, रोहित का कड़ा जीवट देखती हूँ तो झुक जाती हूँ। अपने दुख दर्द से दूर वो चुपचाप निर्विकार से पलंग पर पड़े रहते हैं। पूछती हूँ दर्द है, सिर हिला देते हैं, नहीं। डॉक्टर पूछते हैं बहुत कष्ट है, नहीं तो। कंधे का प्लास्टर दूसरी बार लगा है, आँखों की पट्टी अभी खुली नहीं। शोभनदा,
तुम्हारे निकट हो भगवान से मांगती हूँ, रोहित फिर से सब कुछ वैसा ही देख सकें, वैसा ही। हरिदा का पत्र मिला होगा, वो श्यामली के संग बंबई चले गए हैं। भाभी को स्नेह भेजती हूँ और अपने दादा से ढेर सा मांग लेती हूँ, अपने लिए, रोहित के लिए। प्यार से, मीनल। पत्र पढ़ते पढ़ते शोभनदा विकल हो आए। हरिंद्र के पत्र से सब कुछ जानकर भी मीनल की ओर से जैसे वो कुछ और सुनना चाहते थे। बहुत गंभीर स्नेह जो उनकी मीनल किसी के दर्द से सहज ही दूषित हो आती हो, पर रोहित के लिए आशीष मांगता ही सगापन, सहसा कोई पुरानी गूंज मन के आसपास गूंजने लगी। शोभनदा, तुम्हारे ये रोहित मन से ऐसे ही कड़े हैं जैसे ऊपर से दिखते हैं। शोभनदा किताब बंद कर कुछ क्षण मीनल की ओर तकते रहे थे, फिर हंसकर कहा था, जानती हो यही बात मीनल का नाम ले रोहित मुझसे पूछते थे। मीनल एकाएक सकचा गई, चेहरे पर कोई नई सी छवि उभर कर विलीन हो गई तो सिर हिला मीठे कंठ से कहा, नहीं दा, मेरे लिए रोहित ऐसा क्यों कहेंगे, मैं क्या दूसरों की सीख से अपने को ऊपर उठाकर चलती हूँ। शोभन दा बार बार पत्र पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते कई बार मन में अटकते रहे, मीनू के लिए कोई आशीर्वाद शब्दों में नहीं बांध पाए, मन ही मन दोहराया, मीनल मीनल कि अपने लज्जित कर देने वाली व्यथा कष्ट भर लाई, माथे पर हाथ रख सिर नीचे झुका लिया, कुंतल। अनजाने में रोहित जो कुंतल के लिए कह आए थे वो एक दिन सहसा दुर्भाग्य बन उनके द्वार पर आ खड़ा होगा, उनका सब कुछ छीन लेने के लिए, उनका सब कुछ। उस दिन क्लास से शोभन बाहर निकले तो बादलों भरी दोपहरी सिर पर झुक आई थी। घंटे भर बाद उनका दूसरा पीरियड, कॉमन रूम की ओर जाते जाते सहसा आंखों के आगे कुंतल का प्रिय मुख घूम गया, वही सुबह वाली साड़ी, नीचे लटकता पल्लू, झुकी नज़र और बहुत पास खड़े कुत्ता। शोभन के सरल निश्चल मन को एकाएक किसी अदृश्य ने झकझोर कर चिता दिया, वो रुके नहीं, घबराए से सीढ़ियाँ उतरे और लंबे लंबे डग भर कर कॉलेज से बाहर हो गए। आज इस क्षण ये आशंका क्यों, व्यग्रता क्यों, कुंतल गुप्ता, नहीं नहीं। फाटक खोल सहमे सहमे पांवों अंदर आए और बरामदे में लटकता गुप्ता का रेनकोट देख ठिठक गए। चाहा कि जोर से पुकारे, गुप्ता, कि आक्रोश भरा स्वर गले में अटक कर रह गया। दबे पांव बरामदा पार कर ड्राइंग रूम में आ खड़े हुए, कहीं कोई नहीं, ना कुंतल ना गुप्ता, पर अतिथि सत्कार के लिए और कौन स्थान होगा। क्षण भर को रुके, फिर गैलरी पार कर बेडरूम का पर्दा उठा दिया, हाथ खींच पर्दे के इस पार से जब शोभन लौटे तो शोभन नहीं, बीत गए वर्षों के दिन रात घड़ी पल सब लौट आए, सब लौट आए। अरबरा दो जोड़ी आंखें खुली, बाहें खुली तो बरसाती सांझ कमरे में घिर आई थी और बाहर छम छम पानी बरसता था। अलसाए मन गुप्ता ड्राइंग रूम में आ खड़े हुए, कुंतल कुंतल कुंतल, अंधेरे में जैसे एक बार कुंतल को देख रहे हों, पा रहे हों। हाथ बढ़ा बत्ती जलाई तो आंखें खुली की खुली रह गईं। शोभन सोफे पर आंखें मूंदे कड़े से होकर बैठे शोभन। कुंतल नहीं हो कपड़े बदल कमरे से बाहर आई कि गुप्ता ने आगे बढ़ बाहों में भर लिया और धीमे से संकेत कर कहा, शोभन, और जल्दी से अलग हो बाहर हो गए। कुंतल एक बार नहीं, बहुत बार ड्राइंग रूम की दहलीज तक आकर लौट गई। जितनी बार आती सोए सोए भयभीत पांव मानो अपने से ही हार कर द्वार पर ठहर जाते। 8, 9, 10 टन टन टन, हर घंटे पर रात बीतती गई। सुबह उठकर शोभन अंदर आए तो फर्श पर औंधी पड़ी कुंतल को देख लड़खड़ाए से वापस लौट गए। जो प्यार एक दिन उनकी बाहों में आ लगा था वो शेष हो गया, वो शेष हो गया। कुर्सी पर बैठी मीनल रोहित का हाथ सहलाती थी कि रोहित ने हौले से बाँह खींच ली और आंखें मूंद अडोल लेटे रहे। दिन भर की लंबी जांच से थके रोहित इस क्षण किसी टूट गए आहत सपने से दिखते हैं और पास झुकी मीनल दो अपलक आँखों सी। दिन भर से होती पड़ताल आज अधिकारियों के अंतिम प्रश्नोत्तर के बाद समाप्त हो गई। आईजी के विशेष सहायक जाने से पहले रोहित का धन्यवाद कर अपने अधिकार पूर्वक कंठ को भरसक ढीला कर बोले, राय, पूरा कांड ढंग से चल पड़ा तो चेत सिंह को समाप्त करने वाली बाहों को विभूषित किया जाएगा। रोहित छोटा सा हंसे और कृतज्ञता जताकर कहा, यस सर। सुनकर मीनल की आंखें भर आईं। एक बार रोहित भले हो जाए फिर। डॉक्टर रात का राउंड लेकर लौटने लगे तो मीनल उनके संग बाहर चली आई। डॉक्टर, स्वर में प्रार्थना थी। डॉक्टर रुके, फिर दिलासे के से स्वर में कहा, घबराए नहीं, आँख की पट्टी कल खुलने वाली है। बरामदे से लौटती मीनल ने कई बार रोहित की गर्व भरी आँखों की बात सोची जो कल उसे जीवर देखेंगी। बिछौने के पास आ ठिटक गई,
पट्टी से बंधा सिर और खुली एक आंख। द्रवित हो पूछा, क्या बहुत थके हैं? नहीं तो, रोहित का धीरज भरा स्वर सुन आंखें छलछल आईं। भर्राए कंठ से कहा, डॉक्टर कहते थे कल तो। सुनते ही रोहित खड़े हो आए, जाने कैसे से निर्दयी कंठ से कहा, बस, और मौन हो गए। रुलाई को छिपाती मीनल कुछ देर आंचल आंखों से लगाए बैठी रही। बैठी रही, फिर सह न सकने पर बिलक बिलक कर रो पड़ी। रोहित हिले नहीं, डुले नहीं, बोले नहीं, और मीनल रोती रोती कब सो गई, कहाँ खो गई पता नहीं। एकाएक हड़बड़ा उठी, कांपता स्वर सुन पड़ा, मीनू? स्वर नहीं, स्वर नहीं, जैसे अपने में समेटती बाहें हो। अगले पिछले समूचे प्यार को सहेज मीनल रोहित से जा लगी। मीनू? मीनू जो कहती है वो रोहित सब जानते हैं, फिर भी अपने को संभाल विवश से पूछते हैं, मीनू कल आँख नहीं रहेगी तो? मीनल ने मुख पर हाथ रख दिया और अनुराग में भीग कर बोली, रोहित कल नहीं, आज, आज, और ज्वार के अनकहे शब्द कल बहियों में खो गए। प्लेटफॉर्म पर खड़ी मीनल ने झुककर शोभनदा के पांव छू लिए और तनिक सा हंसकर कहा, समय पीछे नहीं लौटता शोभनदा, लौटता तो आज हम माँ के संग खेल खिलौने के लिए नानी अम्मा से मिलने ना जाते। शोभनदा ने सिर हिला बहन को थपथपा दिया, कुछ कहने को थे कि इंजन ने सीटी दी। मीनल ऊपर चढ़ी और भर्राए कंठ से बोली, शोभनदा आप घर जाएंगे, कहीं और नहीं? फिर गहरे आग्रह से शोभन का हाथ छूकर कहा, एक शोभनदा ही कुंतल भाभी को क्षमा कर सकेंगे, ये मैं जानती हूँ। शोभनदा ने दर्द भरी गंभीर आंखें ऊपर की जैसे याचना करती हूँ, मीनू कुछ और कहने की कहो, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं। रुलाई से लाल हुई आंखों वाली मीनल सिर हिला ममता से हंसी, चलती गाड़ी से पुकार कर कहा, कुंतल के लिए मिन्नी की सौगंध हो दादा। मिन्नी की मीठी छवि आंखों में झिलमिला गई और दूर जाती रेल का सूनापन सिर झुका प्लेटफॉर्म पर बिछा रहा। खड़े कई क्षण रेल की पटरियां देखते रहे, फिर मीनल के लिए तरस धीरे धीरे पुल पार कर अपनी गाड़ी के सामने आ खड़े हुए। अलग दिशाएं, अलग राहें, मोह से लिपटी अपनी मृणाल के लिए जीव मढ़ाया, रोहित के सामने वो मानो किसी गर्वीली देह सी झुककर रह गई है। चलने के पहले आराम कुर्सी पर बैठे रोहित के पास खड़ी खड़ी मीनल रोती रही, रोती रही। रोहित कुछ कहें पर रोहित तो कुछ बोले नहीं। अगाध संयम वाली अपनी बहन के लिए अपार करुणा उमड़ आई। रोहित का कंधा छू शोभन बोले, रोहित मिन्नी चली जाती है, रोकोगे नहीं? रोहित ने जैसे कुछ सुना नहीं, उस कठोर मुद्रा में दोनों हाथों को जकड़ चुपचाप बैठे रहे। सहसा मिन्नी ने रोते रोते रोहित की गोद में सिर झुका दिया। रोहित पल भर पठार से अड़े रहे, फिर एकाएक उमड़ कर गोद में पड़ा सिर चूम लिया और अस्फुट स्वर में बोले, पीछे नहीं हटता हूँ मिन्नी, प्राण रहते अपनी बात रखूँगा। इस ज्वार भरे प्यार में कौन अटक थी, कहाँ अटक थी, यही सोचते सोचते शोभन गाड़ी में जा बैठे। चलती गाड़ी की खिड़की में से बाहर देखने लगे तो मन के आगे घिर घिर आता भूला बचपन ढेर सी स्मृतियाँ सहज लाया। माँ के संग गाड़ी में बैठे वो और नन्ही मीनल, शोभन, शोभन। माँ प्रणाल को हल्की सी थपकी दे लाड़ से कहती है, बिटिया भैया को शोभन नहीं शोभनदा कहते हैं। मिन्नी सिर हिला हिला कर दुलराती है, क्या कहते हैं माँ, शोभनदा, शोभनदा। वे खेल खिलौने के भोले दिन, वे भोली चाहें। कंपार्टमेंट में बैठे अन्य जनों से बेखबर आंखें मूंद ली। शोभनदा आप घर जाएंगे, कहीं और नहीं? घर जाएंगे, घर जो अब घर नहीं रहा, छिन्न भिन्न हो गए उल्लास का सूना आकार भर। जाएंगे कि उस अंधेरी सांझ को बिसरा पत्नी को एक बार फिर से पुकारें, कुंतल, कुंतल। ग्लानी से सिकुड़ किसी और देखा नहीं गया, विवश हो आंखें बाहर गड़ा दी। खेत खलिहान, भागते खंबे और पेड़ों के काले सायों के संग संग दौड़ती कुंतल। शोभन गाड़ी में है और कुंतल इस परिधि के बाहर। शोभन पुकारते हैं, कुंतल भागती है और भागती है। अंदर बाहर की इस होड़ में, दौड़ में शोभन केवल दर्शक भर रह गए हैं, केवल दर्शक भर। झटका लगा, शोभन दा उठे और खिड़की के सामने चिर परिचित प्लेटफॉर्म आ गया। नीचे उतर घड़ी पर खोए खोए इस ओर लौटा लाने वाली गाड़ी की ओर तकते रहे, फिर धीमी उदास चाल से स्टेशन से बाहर हो गए। हाथ में बैग लिए पैदल ही घर की ओर चल दिए। सीधी जाती छोटी राह जैसे सूझी ही नहीं। कॉलेज का लंबा चक्कर लगा घर के सामने आन पहुंचे तो संकोच और व्यथा के भंवर रह रहकर पैरों को पछाड़ने लगे। भरसक अपने को संभाल फाटक खोला और मन ही मन मनाया, जो यहाँ तक ले आ सके हैं वही प्रभु आगे भी सह सकने का बल दें।
रह रहकर टकराती, पछाड़े खाती, समुद्र की अभागी प्यासी लहरें लौट लौट आती हैं और ज्वार के ऊंचे कूर में बह जाती हैं। किनारों को बाहें नहीं मिलती, लहरें और बौछारती हैं और पछाड़ती हैं और बिछुड़ गए प्रियजनों के नाम ले लेकर पुकारती हैं, रोहित, शोभनदा, कुंतल और अपना नन्हा सा रोहित। इस तन से लिपटा जो असंख्य असंख्य चिंताओं में विवशताओं में भी मीनल को सरसाता था, हुलसाता था, वो आंखें खुलते ही किसी अधिकारहीन कुशलहीन निशान की तरह मिट गया। मीनल रोई नहीं, धोई नहीं, बिस्तर पर पड़ी पड़ी एक बार उस निर्जीव नन्ही काया को देखा और जी कड़ा कर आँखें मूंद ली। वे मन प्राण जो समूचे अभिमान से, समूचे गर्व से एक दूसरे के लिए उमड़े थे, वे उस क्षण क्या सच ही स्नेह को पुकारते नहीं थे, प्यार को सत्कारते नहीं थे? वो सच हो आया जो एक दिन शोभनदा ने संकेत कर दिया था। मिन्नी, रोहित जो कुछ भी रहे हों, छूट लेकर उसे चुकाना तो नहीं ही जानते। रोहित के लिए ऐसा अभियोग पढ़ मिनल रोई थी, शोभनदा पर क्रोधित हो आई थी, पर गहरे कहीं कोई चुपके से चिता गया था, जो होने को है, जो आने को है, वो एक तिरस्कार बनकर रह जाएगा। उनका इस लोक परलोक में कहीं कोई नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, नाम नहीं, अधिकार नहीं। कभी दो अभिमान, दो गर्व मिले थे ऐसे अनादर में धूल हो जाने के लिए। प्यार की सब कथा, सब व्यथा शेष कर मीनल नर्सिंग होम की सीढ़ियाँ उतरी तो ना मन सेहरा, ना पाँव कांपे, शांत हो गई, स्वच्छ हो गई देह, धुले कपड़े सी, अड़ी अड़ी, कड़ी कड़ी, सादी सफ़ेद साड़ी में लिपटी अपने पुराने सतरंगी स्पर्श को जैसे नर्सिंग होम में छोड़ आई। वो अवश्य सी, विवश सी थकन, वो रोहित की पुकार पुकार आते आलोड़न के पल, वो मोह की मोहिनी, सब रीत गए, सब बीत गए। बाहर आकर तत्काल ही टैक्सी नहीं ली, भीड़ में से पैदल निकल चली तो कोई भी परिचित अपरिचित आंखों ने मीनल को पहचाना नहीं। मन में कुछ ऐसा हो आया कि इस अपार जन समूह में कोई भी इस अभागे मुख को निहारने वाला नहीं। पहले से रिजर्व कराए बोर्डिंग हाउस के कमरे में रात को लेटी तो गाढ़ा काला अंधियारा मन के आसपास छा गया। सब और अंधेरा है, सब और अंधेरा। दूर दूर तक फैले पठार के वीराने में केवल रोहित की एक आँख चमकती है, रोहित की एक आँख चमकती है। मिन्नी, मिन्नी, मीनल भीग कर कहती है, कहो रोहित। रोहित कुछ कहते कहते झिझकते हैं, फिर अनचाहे ही पूछ लेते हैं, मीनू, हरिंद पर बरसती तुम्हारी अनुकंपा देख चुका हूँ, मुझ पर भी क्या? सुनकर मिन्नी पल भर को ठिठकी, मानो यही बात अपने से पूछती हो, फिर शांत ठहरे स्वर में बोली, नहीं रोहित, मेरा अपना दर्द है जो तुमसे कुछ मांगता है। रोहित अपने गांभीर्य से मीनल को एक बार फिर पुकार कर पा लेते हैं। फिर मीठी रात उतरी, लहरा गई, सरसा गई, बिसरा गई रोहित के दो सपनों को। बोर हुई, हवाएं हल्की हो कमरे में थरथरा आईं, उमड़ कर पुकारा, रोहित। रोहित ने घेर कर चूम लिया, मिन्नी। कमरे में धूप फैलने लगी तो लाड़ से कहा, रोहित अब सिस्टर आने को है, और हंसती खिलती सी पास से उठ गई। नहा धो बाल संवारते मृणाल ने छोटे से दर्पण में अपने को देखा, देखती रही, देखती रही, फिर लजाकर हाथों में मुंह छुपा लिया। कोई चोर पैर ताल दे देकर कहते रहे, मीनू, मिन्नी, मीनल। मीनल अंदर आई तो रोहित पर झुके डॉक्टर खड़े थे और पास झांसी करती सिस्टर, पट्टी खुली, कुछ देख नहीं पाता हूँ डॉक्टर। डॉक्टर हाथ फेर कर कहते हैं, राय, धीरे धीरे आँख उजाले की अभ्यस्त होगी अब। नहीं डॉक्टर। डॉक्टर व्यस्त हो हाथ आगे कर कहते हैं, कुछ हल्का सा? डॉक्टर कुछ भी नहीं। रोहित का गंभीर स्वर सुन डॉक्टर मानो चिंतित हुआ है, जांचते रहे, देखते रहे, फिर दोबारा पट्टी बांध जाते जाते कहा, मिराज कर से कंसल्ट करना होगा। धन्यवाद डॉक्टर, कृतज्ञता जताता रोहित का रौबीला कंठ। डॉक्टर चले गए, मीनल खड़ी रही, रोहित लेटे रहे और घड़ी को टिक टिक समय मापती रही। दिन भर रोहित कुछ बोले नहीं, सहमी सी मीनल देर तक खड़ी खड़ी खिड़की से बाहर देखती रही। मन हुआ आया रोहित को दुलार कर कहे, कुछ डर नहीं, कुछ डर नहीं, कि सुबह वाला रोहित का कठिन स्वर याद कर अटक गई। सामने बिछी दोपहरी खिड़की से दूर चली गई तो घबराई सी मीनल ड्यूटी रूम तक जा उन्हीं पैरों में पलट आई। रोहित के लिए डॉक्टर सचमुच में ही क्या सोचते हैं यह जान लेने की हिम्मत नहीं हुई। लौटी कि रोहित का स्नेह भरा कोमल सर सुन पड़ा, मीनू सुनो तो। मीनल बधी बधी आई कि तन मन पर फिर रात उतर आई, विवर हो पलंग की बाहीं पर सिर झुका दिया। रोहित बालों को बहुत हौले मानो छूते भर हों सहलाते रहे और मीनल पड़ी पड़ी अतीत के रतनारे स्वर सुनती रही। पानी में पैर डाले दूर दूर सी दिखती तुम,
देखकर जैसे सदा को जान लिया था कि एक दिन मिन्नी को शोभन से मांग लूँगा। लौटती बार ड्राइव करते तुम्हारे मौन से ही जाने कितनी बातें करता रहा था। घर लौटा तो क्षण क्षण एक ही मुख दिखता, पर फिर तो धीरे धीरे हरिंद्र की सहानुभूति में मीनल पराई होती चली गई। मृणाल हंसी, जैसे अपना अपराध स्वीकारती हो, फिर मान से सिर हिलाकर बोली, जानती हूँ उन दिनों पुलिस के बड़े साहब हर क्षण तरेरा करते थे, और हरिंद्र के लिए दया संजोती मीनल रोहित को नित्य ही कुरेदती थी। रोहित, मीनल कुछ कहने जाती थी कि सिस्टर अंदर चली आई, ऐसे हंसी की हंसती ना हो, ऐसे देखा कि देखती ना हो। रोहित मीनल का हाथ थामे थामे हंसकर बोले, सिस्टर आप ठीक हो गई तो इस पगली को दिन रात तंग किया करूँगा, न हुई तो फिर छुट्टी पा जाऊँगा। अब प्रतिप सिंह मीनल कुछ कहने को हुई कि सिस्टर ने द्वार की ओर देखकर कहा, डॉक्टर मिराजकर आने को हैं। रोहित ने सहज से मीनल को अपनी ओर भर लिया और चूम कर धीमे से कहा, बस मिन्नी। मिराजकर के अनुभवी हाथ देर तक रोहित की आँख की परीक्षा करते रहे। सांस रोके मीनल खड़ी खड़ी देखती है और सिस्टर तत्परता से अपनी ड्यूटी पर। डॉक्टर मिराजकर और साठे बाहर निकले तो मीनल सिस्टर से कुछ जान लेने के लिए संग संग बाहर चली। सिस्टर रुकी नहीं, हाथ से संकेत दे मीनल को छोड़ आगे चली गई। मीनल खड़ी रही खड़ी रही। डॉक्टर तो कुछ भी नहीं कह गए, फिर कुछ देर पहले उमंग मन में एकाएक दूर क्यों हो गई। बुझे बुझे मन अंदर आई कि रोहित का पतला धीमा स्वर सुन ठिठक गई, ये आँखें, एक आँख ओह। मीनल वहीं रुकी रही, आगे नहीं बढ़ी। जान लिया कि रोहित के विवश बोल किसी और द्वारा सुनने के नहीं हैं। देर बाद पुकारा, रोहित। रोहित दुलार कैसे स्वर में बोले, मीनल एक काम कर सकोगी? कहो रोहित। रोहित जैसे अपनी ही गंभीरता को हल्का करने को हंसे, एक पत्र शोभन को लिखना होगा मीनू, अभी। रोहित की सदा किसी निश्चिंत आवाज, सिर पर झूलते किसी अज्ञात भय से मीनल एक बार सिहर कर पत्थर हो गई। रोहित ने फिर पुकारा, मीनल। मीनल कुछ बोली नहीं, कुर्सी पर बैठे बैठे आंखें मूंद ली कि सोती हो। मन को किसी ने चेता दिया कि ये क्षण शुभ नहीं, शुभ नहीं है। मृणाल ने नींद में जब सच्ची आंखें मूंद ली तो सपने में देखा, नीले आकाश पर दो तारे हैं, दो मुख हैं, दो जोड़ी बाहें हैं, सत्कारती स्वीकारती एक चाह है, एक चाह है जो धरती पर फैली समय की घाटियां माप जाएगी, पठार पर छा जाएगी, धीरे धीरे नन्हा सा तो पहला चांद निकल आएगा, अंधियारा बिछड़ जाएगा, चारों ओर आलोक बिखर जाएगा, फिर भोर हो आएगी, छोटे से घर को चूम जाएगी, रोहित होंगे, रोहित की मीनल होगी और एक हंसता खेलता नन्हा मुन्ना, छोटे छोटे पाँव इधर दौड़ा आएगा, रोहित अपनी गर्व भरी आँखों से हंस संकेत से बुलाएंगे, इधर इधर। एकाएक बिखरते कांच का स्वर सुन नींद टूट गई। भयभीत घबराई सी मीनल चौंक कर उठ बैठी, उड़ी उड़ी दृष्टि से कमरे के चारों ओर देखा, रोहित क्या पलंग पर लेटे हैं? हाथ बढ़ा टेबल लैम्प जला लिया तो विस्मय से बोर्डिंग हाउस के उस अपरिचित अनजान कमरे को देखते देखते आंखें डबडबा आईं। खुले नीले आकाश पर जगमगाता वो मीठा मधुर घर, किलकारियों भरे घर का आंगन, सब कहाँ हैं, कहाँ हैं सब? अंधियारे में भटकती मीनल सिरहाने पर सिर डाल फिर लेट गई तो लगा कि रात भर के सफ़र के बाद वो सपनों के सुनहले देश से लौट आई है, अकेली अकेली और अकेली। अभी आप सुन रहे थे कृष्णा सोबती जी की लिखी हुई कहानी दो राहें दो बाहें। ये कहानी 1959 में प्रकाशित हुई थी।